हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, जो कॉलिन डेक्स्टर का लिखा हुआ है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के अपन दो पार्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, और सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, जिस प्रकार से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि किस प्रकार से ओ लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, और उसके दौरान मैकलेरी और उसके जर्मन टीचर की हेल्प से इवांस जेल से बाहर चला जाता है, उस सब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर देखो, इवांस वाज ए क्लेवर थीप, इवांस एक चतुर चोर था। ही वाज वेरी कन्निंग, कन्निंग का मतलब होता है इंटेलिजेंट टाइप का। एंड क्राफ्टी, क्राफ्टी होता है धूर्त। एंड इल्यूसिव, इल्यूसिव होता है आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला। इवांस एक क्लेवर थीफ है। ही वाज वेरी कन्निंग, वह बहुत चालाक था। क्राफ्टी धूर्त था। एंड इल्यूसिव, आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। ही हैड एस्केप्ड, वह भाग चुका था। हैड एस्केप्ड, भाग चुका था फ्रॉम प्रिजन, जेल से। 3 times, 3 times प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम इवांस द ब्रेक, और प्रिजन ऑफिसर्स उसे इवांस द ब्रेक कहा करते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां बरती गई थी, टेकन उठाई गई थी फॉर द स्मूथ कंडक्ट, अच्छे से संचालन के लिए ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अच्छे संचालन के लिए कौन कौन सी सावधानियां उठाई गई थी। देखो, एक तो उसकी सेल को सर्च किया गया था, उसके बाद माइक्रोफोन लगाया गया था। जैक्सन और स्टीफन जो है वो दोनों ही अपनी ड्यूटी पे थे, ये उसमें प्रिकॉशंस ली गई थी। इवांस सेल, इवांस सेल, इवांस की सेल वाज थोरोली, पूरी तरह से सर्च्ड, सर्च कर ली गई थी। ए माइक्रोफोन वाज सेटअप, एक माइक्रोफोन लगाया गया था टू हियर द कन्वर्सेशन, बातचीत सुनने के लिए माइक्रोफोन लगाया गया था, बातचीत सुनने के लिए मैकलेरी और इवांस के बीच में, सेल में क्या बात होती है वो सुनने के लिए। द सेल वाज लॉक्ड, और सेल को लॉक किया गया था। एंड द ऑफिसर्स वर ऑन ड्यूटी, और ऑफिसर्स जो थे वो ड्यूटी पर थे, ड्यूटी कर रहे थे। विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड, क्या एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, दिए गए कार्यक्रम के अनुसार चलेगी। नो द एग्जाम विल नॉट स्टार्ट एज शेड्यूल्ड, नहीं, एग्जाम शेड्यूल के अनुसार नहीं स्टार्ट होगी। इट हैड टू बी स्टार्टेड एट 9:15 AM, यह स्टार्ट होनी थी 9:15 पे, बट इट स्टार्टेड एट 9:25 AM, परंतु यह शुरू हुई 9:25 पर। सो द एग्जाम विल स्टार्ट 10 minutes लेट, यहां पे रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं। सो द एग्जाम विल स्टार्ट 10 minutes लेट, इस प्रकार से एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगी 10 minutes लेट। डिड द गवर्नर एंड ही स्टाफ फाइनली हीव ए साई, हीव ए साई का मतलब एक आह भरना, ऑफ रिलीफ, राहत की, राहत की उन्होंने आह भरी, राहत की सांस ली क्या, अंततः गवर्नर और उसके स्टाफ ने। नो द गवर्नर एंड ही स्टाफ कुड नॉट हीव ए साई, नहीं ली एक सांस, ऑफ रिलीफ, राहत की। बिकॉज इवांस हैड एस्केप्ड, क्योंकि इवांस भाग गया था। पर्सनेटिंग, रूप बनाकर, मैकलेरी, मैकलेरी का। दे रश टू रिकैप्चर हिम, वे दौड़े उसे दोबारा पकड़ने के लिए, रिकैप्चर दोबारा पकड़ने के लिए। विल द इंजर्ड मैकलेरी बी एबल, क्या इंजर्ड, घायल मैकलेरी योग्य होगा टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स, प्रिजन ऑफिसर्स की सहायता करने के लिए, ट्रैक इवांस, इवांस को खोजने में, इवांस को पकड़ने में। नो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैकलेरी हेल्पिंग द प्रिजन ऑफिसर्स, कोई सवाल ही नहीं उठता मैकलेरी का कि वो प्रिजन ऑफिसर्स की हेल्प करे। ही इज इवांस हिमसेल्फ, वह खुद इवांस है। पर्सनेटिंग, जिसने रूप बना रखा है मैकलेरी, मैकलेरी का। ही विल बी फूल द प्रिजन ऑफिसर्स, वह मूर्ख बनाएगा प्रिजन ऑफिसर्स को। एंड विल रन अवे, और वह भाग जाएगा वहां से। ये आज की क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इवांस ट्राइज एन
ओ लेवल, इसमें अपन ने 5 क्वेश्चंस किए हैं। इसके नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।